तो उन्होंने यहाँ आके जो बताया था कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की, हमने कहा साहब आपने जो ये खुलासा किया है, इस खुलासे में आपने ये कैसे बता दिया कि ये लूट को लेकर हत्या की गई? तो उन्होंने मात्र गोड़माड़ करके यहाँ से निकल गए। फिर सर्व समाज, सर्व हिंदू समाज ने गांधी मैदान से रैली निकालती गई, कमिश्नरेट तक सीपी साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद में एक गिरफ्तारी बता के मात्र टाइम पास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बैठ के पुलिस की बड़ी मछलियां भी इसमें साथ में, सफेदपोश नेता, एक बड़ा उद्योगपति जिसको पुलिस ने कल सुबह 4 बजे फ्री कर दिया था, जब एक ऑडियो वायरल हुआ तब पूरी सच्चाई आई। ये मनमोहन जी ने बताया था अनिता जी के हस्बैंड ने कि मेरे पास ये जो अनिता जी की सहेली है उनका ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उनका फ़ोन आया और उसने ये कहा था 4 दिन में मुझे भी मार सकते हैं, अगर ये मामले का खुलासा नहीं होता और अगर ये संज्ञान में नहीं आता तो फिर अनिता की भी हत्या हो सकती, सॉरी अनिता जी के साथ सुनीता भी हत्या होती। उसने खुद ने कहा मैं लेटर लिख के डाल दूँ क्या करूँ। तो एक बहुत बड़ी गैंग है जो इस तरह के दीपावली का मौका, अखबार की छुट्टी, हनुमान बेनीवाल का उपचुनाव में बिजी होना, हनुमान बेनीवाल हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़ेगा, ऐसे कई सारी प्लानिंगों को मतलब इन्होंने सोचकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब सरकार जग नहीं रही है, हमारी सबसे पहली मांग यह है कि CBI से जांच करवाए इस मामले की, क्योंकि मामला ढाई 3,000 करोड़ की, 1,000 करोड़ की पार्टियां हैं, तो पुलिस उनके सामने कुछ नहीं है। पुलिस करने को बहुत कुछ कर सकती है लेकिन सफेदपोश नेता हैं, उनसे इनके संबंध होते हैं और नेताओं के आगे पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। हमारे हिंदुस्तान में तो इनके अधीन है पुलिस पूरी। तो हम चाहते हैं CBI से इस प्रकरण की जाँच हो और जो 1 करोड़ रुपया, सरकारी नौकरी और ऐसे जो को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए, उसको लेकर बैठे अभी तक, जब उसकी पूरी गलती है, थाने से मात्र 500 मीटर दूर हत्यारा बैठा है और पुलिस मौके पर जाके वो जब बताया कि यहाँ पे घटा था, वहाँ से बताने के बाद में SHO ने स्वयं गुलामुद्दीन से बात की जो थाने से 500 मीटर दूर उसकी खुद की दुकान में बैठा था और वो इनके हाथ के नीचे से फरार हो गया और 4 दिन से पूरी कमिश्नरेट मिलकर भी मिल नहीं रहा है। मिल जाता वो लेकिन खुद ने भगाया है, पुलिस की भी बड़ी मछलियाँ इस प्रकरण में साथ में है, इसलिए इस मामले का खुलासा हो नहीं रहा। अब आपकी क्या रणनीति है? आज बैठ के सर्व समाज के लोग हैं तो कल सुबह सरदारपुर व्यापारी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी, उन्होंने यहाँ पे बंद रखेंगे 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, पूरा सरदारपुरा ABC रोड जलजोग से गोल्ड बिल्डिंग तक बंद रहेगी और जलजोग चौराहे, सॉरी गोल्ड बिल्डिंग चौराहे पर धरना दिया जाएगा। वहाँ पे सर्व समाज के सब लोग आएंगे और वहाँ से 1 बजे कलेक्ट्रेट जाएंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नाम पे, और उसके बाद में अगम्य रणनीति बनाई जाएगी। अगर नहीं माने तो शायद हो सकता है 1-2 दिन का अल्टीमेटम देके 1 दिन का फिर जोधपुर बंद भी करवाएंगे।